मीडियम भी मिलता है ना, फर्क क्या होता है दाम का फर्क? मोटा आलू कितना में मिलता है, मीडियम कितना, फाइन कितना? आपको 17-18 हज़ार में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज मेरा वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे कोलकाता में सबसे सस्ता रेत यानी कि बालू कहाँ मिलता है वो दिखाएंगे। तो मेरा साथ ये वीडियो देखिए। मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रियल एस्टेट का बिजनेस और उसके लिए कंस्ट्रक्शन का काम कोलकाता और आसपास का इलाका में बहुत जोर शोर से चल रहा है। रियल एस्टेट प्रमोटर्स एसोसिएशन क्रेडाई का अनुसार ये तेजी अगले दिन में भी बरकरार रहेगा। इसका बहुत सा कारण है, कंस्ट्रक्शन का काम के लिए जो सामग्री का जरूरत होता है जैसे कि सीमेंट, आयरन रॉड, स्टोन चिप्स और रेत यानी कि बालू, इसका डिमांड भी बहुत हाई है। ये कंस्ट्रक्शन का सामग्री का डिमांड सिर्फ बड़ा बिल्डर के लिए नहीं, छोटा आम लोगों के लिए भी है जो कि अपना घर को एक्सटेंशन किया करने के लिए या रिपेयर करने के लिए मंगाते हैं। तो आज चलिए देखते हैं इसमें से एक सामग्री जैसे कि बालू रेत वो सबसे सस्ता में कहां से मिलता है उसका तलाश करते हैं। चलिए मेरे साथ। रात करीब 9:30 बज रहा है, मैं बाबूघाट में हूँ। ये बाबूघाट का चौराहा है और स्टैंड रोड के ऊपर अभी इंटरस्टेट बहुत सारा बास खड़ा हुआ है और ये सब बास पैसेंजर बास है। ये थोड़ा देर में चला जाएगा और ये जगह खाली हो जाएगा और यहाँ आके बालू का लॉरी खड़ा होगा। 200 करीब बालू का लड़ी खड़ा होगा और रात 10 बजे से बिक्री शुरू हो जाएगा बालू का और सुबह 5 बजे तक चलेगा। तो देखते हैं, ये जगह फाका हुआ, अभी धीरे धीरे बाहर में जो लड़ी खड़ा है दूर में वो आना शुरू हो गया। देखिए, और ये जो भाई साहब लू 60 में है, इनका भी लॉरी यहाँ है, इनसे आज तक बात करेंगे, इसका ये बिजनेस के बारे में पता लगाएंगे, ये बालू के बारे में पता लगाएंगे, इसका क्वालिटी दाम ये सब देखेंगे। अभी करीब 10 बज गया है, 10 बजे अभी देखिए एक के बाद एक ट्रक खड़ा कर दिया। आपका नाम क्या है? छोटू यादव। तो ये बाली आप बाली ट्रक में बाली लेके आता है यहाँ? ये बाबूघाट में, बाबूघाट में बाली आता है। ये बालू अब जो बिक्री होता है कौन खरीदता है ये बालू? बालू पार्टी लोग आता है वही लोग खरीद के, मैंने कॉन्ट्रैक्टर लोग, क्या कॉन्ट्रैक्टर लोग आता है जिसको अपना बनाना वही आता है। इंडिविजुअल आदमी भी नहीं आता है क्या यहाँ? नहीं, नहीं, वो लोग नहीं आता है, एक कम आता है, आता है कॉन्ट्रैक्टर आता है। हाँ। तो ये कलकत्ता में एक ही जगह में ऐसा बालू बिक्री होता है लॉरी में लाके? कई जगह में बिक्री होता है लेकिन ये जगह पुराना जगह है। हाँ, हमको पता है ये पुराना है। बाहर कहाँ बिक्री होता है बालू? बिक्री होता है वो इधर कोस्टा में था तो बंद हो गया है। अच्छा अच्छा, अभी हाल फिलहाल में अभी यही सब चल रहा है। अच्छा, यही चलता है। तो बालू कहाँ से लाते हैं? बालू बर्धमान से आता है, इलम बाजार से आता है। अच्छा अच्छा, हर जगह से आता है, जहाँ से बालू आता है वहाँ से, हर जगह। और कॉन्ट्रैक्टर लोग यहाँ से खरीदते हैं, यहाँ से जिसको लगता है। तो आपका ये जो ट्रक है, ये ट्रक में कितना सीएफटी बालू होता है? इसमें 300-350 तक रहता है। और एक तो मोटा मोटी दाम बता सकते हैं? मोटा मोटी वही 16-17 हज़ार में मिल जाता है। 300 सीएफटी मोटा वालू? हाँ, मोटा वालू भी मिलता है, मीडियम भी मिलता है। ना, फर्क क्या होता है दाम का फर्क? मोटा वालू कितना में मिलता है, मीडियम कितना, फाइन कितना? आपको 17-18 हज़ार में मिलेगा, मीडियम वालू 15-16 में मिलेगा। अच्छा, फाइन भी बिक्री होता है क्या? फाइन वालू ना,
नहीं फाइन बालू यहाँ पर नहीं बिक रहे, तो जो भी बालू बिक होता है। अच्छा यहाँ यहाँ जो व्हाइट होता है ना बालू, व्हाइट बालू बिक्री नहीं होता, जो बालू होता है लाल बालू ही है। लाल बालू होता है माने ये सब नदी का, नदी से लेकर उठा कर उठा के लाते हैं। नेचुरल बालू है, कास्ट बालू भी नहीं, एक टाइप होता है जो पत्थर कास्ट करके एक बालू बनाता है। नहीं ना, वो सब भी यहाँ नहीं बिक्री होता है, जो मिलेगा यहाँ लाल बालू, लाल बालू बिक्री होता है। आपका बालू का क्वालिटी थोड़ा दिखाइए, हाथ में लिया हुआ है। ये मोटा बालू है क्या? हाँ मोटा बालू है। हाँ ये 18,300 सेफ्टी का दाम आएगा ऐसा? अच्छा ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ कितना ट्रक लगता है मोटा मोटी? मोटा मोटा यहाँ पर 250 ट्रक लगता है। 250 का? 250। तो आपका क्या कस्टमर इतना 250 ले जाता है हर रोज ना? क्या नहीं, हर रोज नहीं बिक्री होता है। मैंने एक एक कस्टमर को सिर्फ रुपया लेके आने से ही हो जाएगा ना, क्या और कुछ डॉक्यूमेंट्स लग जाए? कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता, कुछ नहीं। यहाँ आइए, डायरेक्ट बात कीजिए, फोन पर बात कीजिए। अच्छा अच्छा, तो आपका फोन नंबर दीजिए। 9903763390। अच्छा ठीक है, धन्यवाद।